Now students, see the fifth identity here, cosec A minus sin A. The fifth identity is cosec A minus sin A multiplied by sec A minus cos A is equal to, आपको प्रूफ करके दिखाना है, 1 upon tan A plus cot A. This is 1 upon tan A plus cot A के बराबर आपको प्रूफ करना है. Now student, सबसे पहले LHS हम लेते हैं, सॉल्व करते हैं. So LHS is cosec A minus sin A bracket close, second bracket is sec A minus cos A. स्टूडेंट यहां पर हम साइन एंड कॉस में ही चेंज कर लेते हैं. मैं कॉस ए को क्या लिख सकता हूं, वन अपॉन साइन ए माइनस साइन ए ब्रैकेट क्लोज, सेकंड ब्रैकेट में सेक ए को वन अपॉन कॉस ए लिख सकता हूं मैं, माइनस कॉस ए. नाउ स्टूडेंट एलसीएम लीजिए, फर्स्ट ब्रैकेट में, फर्स्ट ब्रैकेट का एलसीएम साइन ए आएगा एंड दिस विल बिकम वन माइनस साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड ब्रैकेट का जब आप एलसीएम लेंगे, सो सेकेंड ब्रैकेट में एलसीएम आएगा कॉस ए एंड न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा. नाउ सिंस यू नो दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज नथिंग बट साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए. तो यहां आप रीजन लिख दीजिए, सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए. सो नाउ स्टूडेंट यहां कॉस स्क्वायर से कॉस ए एंड साइन स्क्वायर ये साइन ही कैंसिल, व्हाट यू गेट कॉस ए मल्टीप्लाइडेड बाय साइन. अब इसे हम आगे डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन अब हम क्या करते हैं, आर एच एस लेते हैं, उसे आगे सॉल्व करते हैं, उसे कॉस ए साइन ए के बराबर लेकर आते हैं. सो आर एच एस स्टूडेंट यहां पर क्या लिखा है, आर एच एस में था राइट हैंड साइड पे 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, दिस इज 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए. नाउ यू नो दैट टेन ए को आप क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं आप, कॉस ए अपॉन साइन ए. नाउ इस डिनोमिनेटर में आप एलसीएम लीजिए, जब आप डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे दिस विल एलसीएम इज नथिंग बट साइन ए कॉस ए एंड न्यूमरेटर में आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए. आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 आएगा, सो दिस इज 1 अपॉन साइन ए कॉस ए is equal to, this will become sin a cos a, sin a multiplied by cos a, और ये किसके बराबर है, LHS के बराबर है. तो यहां पर ये दोनों पार्ट इक्वल आ गए, so identity is proved. Now move on the next identity.